नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे इस लेक्चर में सिफाइलोकार्डेटा के बारे में हम बात करने वाले हैं और सिफाइलोकार्डेटा के मुख्य पॉइंट्स और इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसके अलावा हमें पढ़ना है एम्फियोक्सस जिसे हम ब्रैंकियोस्टोमा के नाम से जानते हैं और इसे लैंसलेट भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल कि एम्फियोक्सस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, यह हमारे एक फुल लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्त सबसे पहले आज का जो एक कोटेशन हम लेकर के आए हैं, आप देखें जरा क्या सही है क्या गलत है, उसको आप भी बता सकते हैं कि सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन्हें करने का मन नहीं करता है। सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन्हें करने का मन नहीं करता है। आपका भी पढ़ने का मन तो नहीं करता होगा, लेकिन 60,000 TGT PGT की जो स्केल है, पेमेंट की शुरुआत है, तभी मिलेगी जब आप में जुनून होगा, आप में मेहनत करने की दृढ़ शक्ति होगी, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त हमारे आज के इस लेक्चर में जैसा कि हमने बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सिफाइलोकार्डेटा के बारे में। तो चलिए देख लिया जाए सिफाइलोकार्डेटा के बारे में। सबसे पहले तो जनरल करेक्टर क्या है इसका। जनरल करेक्टर यह है सबसे पहली बात। तो यहां देखिए दो पॉइंट्स यहां पर जो रखे गए हैं, दो पॉइंट्स क्या है देखिए जरा। पहला पॉइंट है कि मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इस समूह के या इस सब फाइलम के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी सदस्य हैं, जो भी जंतु हैं, सिफाइलोकार्डेटा के पहले कंप्लीट कार्डेट एनिमल कहलाते हैं। ये सिफाइलोकार्डेटा ही एक ऐसा ग्रुप है जिसके सभी सदस्य यानी पहले पूर्ण कार्डेटा जंतु कहलाते हैं, पहले पूर्ण कार्डेटा जंतु कहलाते हैं। यहीं से पूरे के पूरे कार्डेटा के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि मेंबर ऑफ दिस सब फाइलम, इस सब फाइलम के जो सदस्य होते हैं, आर फाउंड इन सैलो सी वाटर, ठीक है। सैलो का मतलब कहां पाए जाते हैं, छिछले, ठीक है, छिछले छिछले समुद्री जल में पाए जाते हैं। इस सिफाइलोकार्डेटा के जो भी समूह के सदस्य होते हैं वो छिछले समुद्री जल में पाए जाते हैं। छिछला जल उसे कहते हैं, आप जानते हैं कि जहां पर गहराई कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। अर्थात ये मैराइन होते हैं, लवणी होते हैं। क्यों कह दिया, क्योंकि समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है, तो ये वास्तविक रूप से ये सभी मैराइन होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है देखिए जरा कि एनिमल्स फॉर्म, एनिमल जो जंतु होते हैं क्या बनाते हैं, एनिमल्स फॉर्म बरोज, बरो मतलब बिल बनाते हैं, ये बिल करके रहते हैं और इनकी जो बिल होती है कभी कभी देखिए जरा यू आकार में होते हैं और इनका केवल मुंडा थोड़ा सा इतना अपना सर निकाले रहते हैं बिल से, देखते हैं कि कोनो आ तो नहीं रहा है, जैसे देखें कोई आ रहा है तो सीधे घुस जाएंगे, समझ रहे हैं। तो उस तरीके से ये बिहेव करते हैं और ये रात्रिचर प्राणी होते हैं, ठीक है, रात्रि में ही चलते हैं क्योंकि कोई इसके चलने में दखलंदाजी नहीं कर सकता है, ठीक है। एनिमल्स फॉर्म बरो बिल बनाते हैं। इन सैंड, कहां बिल बनाते हैं, रेत में, बालू में ये बिल बनाते हैं, ठीक है, जिस कारण से सेडेंट्री कहते हैं, सेडेंट्री। एंड आर नॉक्चुरनल, और नॉक्चुरनल का मतलब ये कैसे होते हैं, ये रात्रिचर प्राणी होते हैं, फ्री स्विमिंग, कुछ इसके सदस्य फ्री रूप से तैरते भी हैं, ठीक है। अब देखिए अगली खास बात क्या है दोस्त, अगली खास बात देखिए जरा, बॉडी स्मॉल, बॉडी स्मॉल, इसकी जो बॉडी होती है, इसका जो शरीर होता है, ठीक है, इसका जो शरीर होता है अबाउट 10 सेंटीमीटर, लगभग कितने सेंटीमीटर तक होता है इसका शरीर, ज्यादा ज्यादा 10 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है, इसका शरीर। वैसे भी जो है एम्फियोक्सस पढ़ना है तो उसका शरीर जो है 5 से 8 सेंटीमीटर तक होता है, एम्फियोक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा आप कह दीजिए। बॉडी इज लेटरली कंप्रेस्ड लाइक फिश, इनकी जो बॉडी होता है, इनका जो शरीर होता है चपटा होता है, ठीक है, चपटा होता है और कैसे होती है, फिश की तरह होती है, एंड सिगमेंटेड, और खंड में बटी होती है, ठीक है, फिश लाइक और खंड में बटी होता है, यानी बटा होता है इनका शरीर। अगला पॉइंट क्या है कि हेड इज अब्सेंट, इनमें जो है खोपड़ी, ठीक है, ये अब्सेंट होती है, हेड नहीं होता है, केवल इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ट्रंक होता है, दूसरा टेल होता है, मतलब धड़ होता है और इसमें पूंछ होती है, लेकिन ये हेड इसमें नहीं होता है, ठीक है, कि यानी बॉडी डिवाइडेड इनटू ट्रंक एंड टेल, दो ही भाग होते हैं, ट्रंक और टेल, एक और आ जाता है तो मुंह वाला पार्ट को हम कहते हैं रोस्ट्रम, रोस्ट्रम भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें खास बात आप ध्यान रखिएगा कि हेड इसमें नहीं होता, अब्सेंट होता है। पेयर्ड अपेंडेजेज अब्सेंट, इसमें जोड़ी में जो अपेंडेज उपांग पाए जाते हैं, जोड़ी में जैसे हम लोगों के हाथ एक जोड़ी है, अब पैर एक जोड़ी है, तो इसमें जोड़ी में उपांग नहीं होते हैं दोस्त, ठीक है। बट मिडिल लेयर
फिन्स आर प्रेजेंट। इसमें मध्य में इसकी जो एक परत होती है फिन्स, पंख लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं दोस्त। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, इसमें बाह्य कंकाल बिल्कुल नहीं होता है, बाह्य कंकाल इसमें नहीं होता, एब्सेंट होता है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड, इसमें जो एपिडर्मिस होती है बाहर की जो परत होती है वो एक परती होती, एक स्तरी होती, सिंगल लेयर्ड होती है। अगली खास बात देखिए जरा, इसको ध्यान रखिएगा, यह आया है हेड्स चेक पिट। हेड्स चेक पिट क्या है अभी हम बताते हैं आपको दोस्त। हेड्स चेक पिट इज फाउंड ऑन द वॉल ऑफ ओरल हुड। हेड्स चेक कहां पाई जाती है, इसके ओरल हुड वाले भाग में पाई जाती है। विच सिक्रीट म्यूकस, जो किसका स्राव करती है, जो म्यूकस का स्राव करती है। ठीक है, अगली खास बात क्या है कि सिलोम इंटीरोसिलस, इसमें जो सिलोम होता है, जो गुहा होती है, वो किस प्रकार की होती है, इंटीरोसिलस होती है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्त, इसे आप ध्यान रखिएगा, इंटीरोसिलस। ठीक है, इंटीरोसिलस यह क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इंटीरोसिलस। अगली खास बात क्या है उसको भी थोड़ा सा देखा जाए। अगली खास बात इसमें देखिए, यह तो हो गया सिलोम इंटीरोसिलस। यहां देखिए, अब कह रहा है कि नोटोकार्ड रॉड लाइक, इसमें नोटोकार्ड कैसी होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, परसिस्टेंट और पूरे इसके जीवन पर्यंत होती है। ठीक है, नोटोकार्ड इसके जीवन पर्यंत होती है, शुरुआत से अंत तक होती है। Extending from rostrum to tail, इसमें कहां से कहां तक नोटोकार्ड पाई जाती है, इसके रोस्ट्रम भाग से टेल तक होती है। ठीक है, रोस्ट्रम भाग से इसके टेल तक होती है नोटोकार्ड। अब इस रचना में हम दिखाते हैं, हेंस द नेम सिफेलोकार्डेटा, और यही कारण है इसका नाम क्या रखा गया, सिफेलोकार्डेटा रखा गया, क्योंकि इसमें जो नोटोकार्ड होती है रोस्ट्रम से टेल तक पाई जाती है। अगली खास बात देखिए जरा क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पूर्ण विकसित प्रकार का होता है, क्लोज जो इसमें होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह क्लोज प्रकार का होता है, जबकि मैंने ओपन कहा था केवल हेमा में ही मिलता है, हेमा में ही ओपन प्रकार का मिलता है। ठीक है, हेमा का मतलब हेमिकार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इसमें ही ओपन प्रकार का मिलता है, बाकी सब में क्लोज होता है। एंड विदाउट हर्ट एंड रिस्पायरेटरी पिगमेंट, इसमें दो चीजें नहीं होती हैं दोस्त, हर्ट और रिस्पायरेटरी पिगमेंट इसमें नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। मतलब इसके पास दिल नहीं होता है, ठीक है, दिल नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है, दोनों नहीं होता है, तो आप कह दीजिए कि इसमें दिल दिमाग दोनों नहीं होता है। ठीक है, हेड भी नहीं होता है, और इसके साथ साथ जो है इसमें हार्ट भी नहीं होता, हेड और हार्ट दोनों नहीं होते हैं, और रिस्पायरेटरी पिगमेंटो नहीं होता है। अगली खास बात देखिए, एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया विथ सोलेनोसाइट्स, यह भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, तो इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वह प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलेनोसाइट के साथ होता है, सोलेनोसाइट्स के साथ होता है उत्सर्जन। अगली खास बात क्या है कि नर्व कार्ड डॉर्सल, नर्व कार्ड इसमें कहां होती है, डॉर्सल वाले भाग में। देखिए, वेंट्रल वाला भाग है, आगे वाला पेट वाला, अब पीठ वाला क्या है, डॉर्सल भाग है, तो नर्व कार्ड कहां होती है, डॉर्सल भाग में। ट्यूबुलर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, विदाउट गैंग्लिया एंड ब्रेन, और यह इसकी खास बात क्या है कि यह बिना गैंग्लिया और ब्रेन की होती है, क्या नर्व कार्ड। ठीक है, नर्व कार्ड कैसी होती है, बिना गैंग्लिया और ब्रेन की होती है। सेक्सेस सेपरेट, इसमें जो सेक्स होते हैं अर्थात जो लिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, गोनेट्स न्यूमरस, और इसमें जो गोनेट्स होते हैं वो न्यूमरस अधिक संख्या में होते हैं, न्यूमरस का मतलब अधिक संख्या में। ठीक है, अधिक संख्या में। एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड या मेटामेरिकली रिपीटेड, और इनका जो है मेटामेरिकली रूप से ये रिपीट होते हैं। गोनोडक्ट आर एब्सेंट, इसमें गोनोडक्ट एब्सेंट होती है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह भी पूछा जा चुका है। ठीक है, गोनोडक्ट आर एब्सेंट, और इसकी खास बात क्या है दोस्त, इसको भी जरा ध्यान दीजिए। और अगली इसकी खास बात देखिए जरा, हम आपको बता दें कि नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, अलैंगिक जनन नहीं होता, जबकि इसके पहले आपने देखा था यूरोकार्डेटा में उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, और वह भी किसके द्वारा, बडिंग के द्वारा हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं है। अगली खास बात देखिए, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन सी वाटर, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो शरीर के बाहर होता है, और शरीर के बाहर भी वह कहां, समुद्री जल में होता है निषेचन। ठीक है, अगली खास बात की डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इसमें जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका मतलब थ्रू द लार्वल। ठीक है, किसके द्वारा होगा, लार्वा के द्वारा होगा, इंक्लूडिंग अ फ्री स्विमिंग लार्वा, जिसमें क्या शामिल है, एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा शामिल है, उसके द्वारा इसमें डेवलपमेंट होता है। देखिए, द सिफेलोकार्डेटा कंप्राइज
अबाउट 30 स्पीसीज। जो सिफेलो का डेटा है इसमें लगभग जो है कितनी स्पीसीज को शामिल किया गया है, तो सिफेलो का डेटा में लगभग 30 स्पीसीज को शामिल किया गया। इसके पहले जो यूरो का डेटा पढ़ा था उसमें लगभग 2000 स्पीसीज थी। ठीक है, देखिए मोस्टली ऑफ द जीनस ब्रैंकियोस्टोमा, और इस 30 स्पीसीज में सबसे ज्यादा जो स्पीसीज हैं वो ब्रैंकियोस्टोमा की ही हैं, ब्रैंकियोस्टोमा एंड ऑल पुट इन द क्लास लेप्टोकार्डी। और ब्रैंकियोस्टोमा का जो क्लास है वह है लेप्टोकार्डी। इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ब्रैंकियोस्टोमा का जो क्लास है वह क्या है, तो ब्रैंकियोस्टोमा का क्लास है लेप्टोकार्डी। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगली बात क्या है कि थ्री बेसिक कार्डेट करेक्टर्स फाउंड इन ब्रैंकियोस्टोमा। जो ब्रैंकियोस्टोमा भी हम लोग पढ़ने वाले हैं या एम्फियाक्सस पढ़ने वाले हैं, लैंसलेट पढ़ने वाले हैं, इसमें जो है तीन सबसे ज्यादा बेसिक जो करेक्टर्स हैं कार्डेटा के वो पाए जाते हैं। उनको भी देख लिया जाए कि वो बेसिक करेक्टर कौन कौन से हैं जो इनमें पाए जाते हैं ब्रैंकियोस्टोमा में। तो देखिए इसके तीन बेसिक करेक्टर्स को पहले देख लिया जाए। थ्री बेसिक कार्डेट करेक्टर क्या है ब्रैंकियोस्टोमा में जो पाए जाते हैं। पहला करेक्टर है नर्व कार्ड फाउंड इन होल लाइफ। नर्व कार्ड जो होती है ये पूरे इसके जीवन काल में पाई जाती है, पूरे जीवन काल में होती है, कहीं भी एक भी जगह वह चूक नहीं करती है। अगली दूसरी बात जो है वो क्या है कि डार्सल हालो नर्व कार्ड प्रेजेंट। इसमें जो डार्सल इसके भाग में डार्सल में कैसी नर्व कार्ड उपस्थित होती है, हालो, हालो मतलब खोखली, हालो माने सुनो नहीं, हालो मीन्स खोखली नर्व कार्ड इसमें उपस्थित होती है। अगली खास बात तीसरा पॉइंट इसका क्या है, तीसरा जो कार्डेट का करेक्टर है एक्सक्रीटरी आर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया एंड सोलेनोसाइट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए तीन कार्डेट के करेक्टर है इसमें, नर्व कार्ड फिर और हालो नर्व कार्ड। ठीक है, और हालो नर्व कार्ड वह भी कहाँ पाए, पहली बात तो नर्व कार्ड इसके पूरे जीवन में मिलता है, और दूसरी बात यह जो है खोखली होती है और डार्सल वाले भाग में मिलती है, तीसरा यह कि इसका उत्सर्जी जो अंग है प्रोटोनिफ्रीडिया और सोलेनोसाइट्स हैं, प्रोटोनिफ्रीडिया और सोलेनोसाइट्स हैं। अब चलिए बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा की। इसमें हम लोगों को पढ़ना है ब्रैंकियोस्टोमा, तो ब्रैंकियोस्टोमा को देख लिया जाए। ठीक है, क्या कह रहा है ब्रैंकियोस्टोमा में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था जब आप पढ़ रहे थे भाई हेमिकार्डेटा, क्या पढ़ रहे थे हेमिकार्डेटा, तो हेमिकार्डेटा में आपको पढ़ना था बेलेनोग्लॉसस। ठीक है, हेमिकार्डेटा में, फिर उसके बाद आपने देखा था यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा में आपने पढ़ा था, यूरोकार्डेटा में आपने देखा था हार्डमानिया को, किसको देखा था दोस्त, हार्डमानिया को देखा था। अब सिफेलोकार्डेटा में आप पढ़ने चल रहे हैं ब्रैंकियोस्टोमा, तो आप समझ लीजिए कि बेलेनोग्लॉसस, हार्डमानिया, ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा ये। अब इसमें देखिए आपको एम्फियाक्सस जो देखना है, एम्फियाक्सस पढ़ना है, पहली बात तो इसे ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा का ही दूसरा नाम है एम्फियाक्सस, और इसे लैंसलेट के नाम से भी जानते हैं, लैंसलेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और देखिए इसकी हिंदी क्या होती है ब्रैंकियोस्टोमा, ये दुरुखी छुरी कहलाती है। दुरुखी छुरी का मतलब एक छुरी चाकू जानते हैं ना, मतलब दोनों साइड में इसके तेज धार हो, दोनों साइड में, जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऐसे कुछ टाइप में कि इधर भी एकदम नुकीला है, इधर भी नुकीला है। ठीक है, दुरुखी छुरी भी कहते हैं, तीक्ष्ण दंत, क्योंकि इसमें ऐसे दंत होते हैं कि लगा देंगे तो क्रैक कर जाएगा, पूरा फाड़ देगा, समझ रहे हैं, ऐसे लैंसलेट भी कहते हैं। अब देखिए अगली खास बात, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन देखिए जरा, इसके क्लासिफिकेशन को फिर आगे चलते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को पहले देख लिया जाए। इसके क्लासिफिकेशन को देखिए, इसके क्लासिफिकेशन में फाइलम, किस फाइलम का है, ये कार्डेटा का है। कार्डेटा के तीन मैंने बेसिक करेक्टर बता दिया जो इसमें पूरी तरीके से उपस्थित होता है, पाया जाता है, फाइलम कार्डेटा है। अब ग्रुप क्या है, एक्रैनिया, एक्रैनिया का मतलब इसमें कपाल नहीं होता है, वैसे भी अभी आपने देखा हार्ट और हेड दोनों नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, और सब फाइलम है, सिफेलोकार्डेटा की बात कर रहे हैं, सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा है। और क्लास अभी मैंने बताया था लेप्टोकार्डी, क्लास कौन सा है, लेप्टोकार्डी है इसका क्लास। ठीक है, और अभी इसके पहले जो हार्डमानिया पढ़ा था उसका क्लास था एसिडिसिया। ठीक है, एसिडिसिया, और इसकी फैमिली क्या है, ब्रैंकियोस्टोमिडी,
ब्रैंकियोस्टोमेडी इसकी फैमिली है। टाइप देखिए मैंने लिख दिया है, ना कि जीनस लिखा है, टाइप लिख दिया है, ठीक है। कि तीन टाइप यहां दिख रहे हैं, ठीक है। कौन? ब्रैंकियोस्टोमा इसका नाम है। ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फियाक्सस भी कहते हैं और इसी को लैंसलेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? लैंसलेट भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसमें कुछ जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को भी देख लिया जाए। क्या है भाई मुख्य पॉइंट्स, ठीक है? तो चलिए ये रहे मुख्य पॉइंट्स। इनमें देखिए क्या है, 9 species, कितनी जातियां हैं इसकी ब्रैंकियोस्टोमा की? 9 जातियां पाई जाती हैं। 9 species आप ब्रैंकियोस्टोमा फाउंड, यानी ब्रैंकियोस्टोमा की 9 जातियां पाई जाती हैं। मोस्ट कॉमन, जिसमें से मोस्ट कॉमन जो जाति है जिसका हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? वो है ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम के बारे में बात करने चल रहे हैं। देखिए अब शुरू करते हैं कि यह कहां पाया जाता है ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम। फाउंड इन सैलो, यानी छिछले जल में पाया जाता है। यह छिछले जल में पाया जाता है और यह सेडेंट्री, मतलब ये कहाँ? रेत में बिल बना कर रहता है। और यह मैराइन होता है, अर्थात यह लवड़ी जल में होता है। और नॉक्टर्नल, अगला पॉइंट क्या है कि नॉक्टर्नल अर्थात यह रात्रि चर प्राणी है। कब निकलता है? रात्रि के समय निकलता है। चोरव आप कह सकते हैं, चोर टाइप का है, समझ रहे हैं, रात्रि चर है। कौन है? ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। और ये देखिए अगली बात कि 5 to 8 centimeters, कितना बड़ा होता है? 5 to 8 centimeters इसकी लंबाई होती है। पतला होता है, होता है, अब फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? फिश लाइक। 5 to 8 centimeters कितना होगा? इतना बड़ा होगा ना, तो 5 to 8 centimeters होता है इसकी संरचना, फिश लाइक होती है और ये चपटा थोड़ा सा होता है, ठीक है। हेड ऑब्सेंट दिमाग, इसमें मतलब इसमें सिर नहीं होता, पहले ही बताया था इसका लक्षण ही है। हेड इज ऑब्सेंट, ओनली ट्रंक एंड टेल प्रेजेंट, केवल 2 भाग होते हैं, ट्रंक होता है और टेल होता है इसमें उपस्थित होता है। और इसमें इसके पूरे शरीर में 3 छिद्र मिलते हैं। इसके पूरे शरीर में कितने छिद्र होते हैं? 3 छिद्र होते हैं। उनको देख लिया जाए कि वो क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए 3 apertures इन द बॉडी, 3 apertures इन द बॉडी, 3 छिद्र इनके शरीर में होते हैं। एक तो माउथ कहते हैं, दूसरा एट्रियोपोर कहते हैं, तीसरा एनस। माउथ, एट्रियोपोर और एनस 3 छिद्र होते हैं इसके शरीर में। और इसमें फिन, जो पंखनुमा संरचना होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। फिन इसमें कितनी होती है? 3 प्रकार की। एक डार्सल फिन होती है, एक काउडल फिन होती है, एक वेंट्रल फिन होती है। डार्सल, वेंट्रल और काउडल, ठीक है। डार्सल फिन, काउडल फिन और वेंट्रल फिन होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मायोटोम्स हैं और गोनाइड्स हैं। तो मायोटोम्स पूछा गया है, मायोटोम्स की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ मायोटोम्स की संरचना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियाक्सस या लैंसियोलेट इसके स्ट्रक्चर को देख लिया जाए। देखिए ये रहा ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा का यह स्ट्रक्चर है, आप देखें जरा इसके स्ट्रक्चर में। आप देख रहे हैं इसकी संरचना कैसी दिख रही है भाई? दोनों साइड में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल तेज नुकीला पॉइंट्स दिख रहा है दोनों साइड में, ठीक है। इधर अब इसमें हेड नहीं है, ठीक है। माउथ पोर्शन, और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है भाई? रोस्ट्रम होता है। क्या है यहां पर? रोस्ट्रम है, ठीक है, रोस्ट्रम इसे कहते हैं। और ये नोटोकार्ड आप देख रहे हैं, नोटोकार्ड शुरू से लेकर के कहां तक है? अंत तक है, ठीक है। नोटोकार्ड शुरू से अंत तक इसमें उपस्थित है। और यहां पर ये कुछ गोनाइड्स हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये गोनाइड्स हैं, गोनाइड्स, ठीक है। और मेटाप्लूरल फोल्ड्स हैं, यहां पर कुछ मेटाप्लूरल फोल्ड्स यहां से यहां तक की संरचना कहलाती है, मेटाप्लूरल फोल्ड्स कहलाती है। और यह भाग है ओरल हुड, ठीक है, उसके जस्ट माउथ के नीचे वाला भाग जो ओरल हुड, हेड्स चेक पिट जो मैंने बात किया था कि किस भाग में होता है? ओरल हुड में। और ये बक्कल सिराई है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बक्कल सिराई है ये संरचना। और इसमें अब फिन, मैंने कहा फिन्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन? एक तो डार्सल फिन और एक काउडल फिन और एक वेंट्रल फिन। डार्सल फिन, काउडल फिन और वेंट्रल फिन 3 प्रकार के फिन होते हैं। और ये इसकी टेल है, और टेल के बाद यहां आप देख रहे हैं कि ये भाग एक पोर है जिसे एनस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये है एनस, ठीक है। बाकी इसमें डार्सल फिन रे बॉक्सेस हैं। और ये मायोटोम्स हैं। क्या है दोस्त? मायोटोम्स, ये देखिए यही स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं मायोटोम्स। इस तरीके से जो संरचनाएं बनी है पूरी, ये देख रहे हैं बिल्कुल, ये क्या कहलाती हैं?
मायोटोम्स कहलाती हैं। तो ये आपने देखा, और बिल्कुल ये है एट्रियोपोर। तीन छिद्र मैंने बताया था इसमें है, एक तो हो गया एट्रियोपोर, एक छिद्र हो गया, और दूसरा अपर्चर हो गया एनस, एक यहाँ पर हो जाता है इसके ओरल हुड के बाद, यहाँ से होता है इसके माउथ वाला। तो इसमें तीन छिद्र होते हैं, कितने होते हैं, तीन छिद्र होते हैं ब्रैंकियोस्टोमा में, ठीक है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं उसको भी देख लिया जाए। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें कितने भाग्स होते हैं, ठीक है, माउथ होता है, ओरल हुड, बक्कल कैविटी, वेलम और एंटीरोस्टोम, और इसका काम होता है फिल्टर करना, फायरिंग्स होता है, फायरिंग्स में एंडोस्टाइल भी मिलती है, एंडोस्टाइल्स, और पांचवा ओइसोफेगस और इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है। इतने भाग होते हैं इसमें। अब सबसे पहली बात यह कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, कंप्लीट एनिमल एलिमेंट्री कैनाल इसमें पाई जाती है। अब इसमें देखिए ओरल जो हुड होता है, ओरल हुड या बक्कल कैविटी, इससे क्वेश्चन बहुत बने हैं भाई, बहुत क्वेश्चन बने हैं, इसलिए यहां पर हमने इसको क्या किया, नोट किया है। अब इसको देखिए क्या बने हैं, इसमें बक्कल कैविटी में बक्कल सिराई मिलती है, अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसी जो संरचनाएं थी वो क्या थी, बक्कल सिराई थी, ठीक है, ऐसी संरचनाएं बिल्कुल ओरल हुड के पास में। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल एक तरीके से काम करता है बिल्कुल ट्रू माउथ की तरह, किसकी तरह कार्य करता है, ट्रू माउथ की तरह कार्य करता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, व्हील आर्गन, व्हील आर्गन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, व्हील आर्गन किसमें पाया जाता है, तो व्हील आर्गन पाया जाता है एम्फीऑक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा में। और इसमें ये है क्या, व्हील आर्गन 6 से 8 फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, 6 से 8 फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, 6 से 8 फिंगर, उंगली नुमा इसमें फोल्ड्स होती हैं। और इस व्हील आर्गन को दूसरा नाम, इससे व्हील आर्गन को क्या कहते हैं, रोटेटरी आर्गन भी कहते हैं, व्हील आर्गन रोटेटरी आर्गन भी कहलाता है, और यही व्हील आर्गन को मुलर्स आर्गन भी कहते हैं। तो अर्थात इसके तीन नाम हैं, ठीक है, क्या नाम है, व्हील आर्गन, रोटेटरी आर्गन, मुलर आर्गन, ठीक है, इसी व्हील आर्गन के तीन नाम है, व्हील आर्गन, रोटेटरी आर्गन, मुलर आर्गन, और ये व्हील आर्गन 6 से 8 फिंगर लाइक फोल्ड्स हैं। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है भाई, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए जरा इस व्हील आर्गन के बारे में, अब देखिए यहां पर मैंने बताया कि इसमें 7 जो गोनोडक्ट्स आर अब्सेंट, यह भी इसमें पूछा गया क्वेश्चन कि इसमें गोनोडक्ट नहीं होती है, गोनोडक्ट अब्सेंट होती है। वैसे भी देखिए जरा, अब यहां व्हील आर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, व्हील आर्गन, ठीक है, व्हील आर्गन के बारे में बात कर रहे हैं। व्हील आर्गन के तीन नाम थे, ठीक है, मुलर्स आर्गन भी था, इसका अगला नाम था रोटेटरी आर्गन था। तो व्हील आर्गन इज अ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम, ये कैसा होता है, विशेष रूप से एपिथेलियम होता है इन द रूफ, रूफ एंड साइड ऑफ द एडल्ट लैंसुलेट, ठीक है, लैंसुलेट ओरल कैविटी इन एम्फीऑक्सस, ठीक है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बार बार यह क्वेश्चन आया है। अगला देखिए, हर्ट चेक ग्रूव एंड हैड चेक पिट, हैड चेक ग्रू और हैड चेक पिट, यह भी बार बार पूछे गए हैं दोस्त, ठीक है, आल्सो प्रेजेंट विच, इसमें भी उपस्थित होते हैं, किसमें, एम्फीऑक्सस में, हैड चेक और ग्रू और हैड चेक पिट इसमें उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस का स्राव करते हैं। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, तो उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है मिड गट डाइवर्टिकुलम होती है एक प्रकार की, और यह जो मिड गट डाइवर्टिकुलम इसमें होती है किसकी तरह होती है, लीवर लाइक होती है, लाइक लीवर, ठीक है, किसकी तरह बिल्कुल फंक्शन में होती है, लीवर की तरह होती है। और डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, कोशिका के बाहर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। और इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ब्रैंकियोस्टोमा में, इसमें मैंने बताया था कि प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, और सोलेनोसाइट्स भी मैंने बताया था, तो यहाँ आ गया प्रोटोनेफ्रिडिया है, हैड्स चेक नेफ्रिडिया है, ब्राउन फेनल है और रीनल पैपली है। इन शब्द को आप ध्यान रखिएगा, ये इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया, हैड्स चेक नेफ्रिडिया, ब्राउन फेनल और रीनल पैपली है। और गोनोडक्ट्स आर अब्सेंट, तो दोबारा हो गया कि मैंने बताया था कि भी इसमें गोनोडक्ट नहीं होता है, गोनोडक्ट नहीं होता है। आगे देखिए इसके पॉइंट्स को,
इसके पॉइंट्स को कि इसमें और क्या कह रहा कि इसमें जो इग होती है, इग जो होता है इसमें माइक्रोलेसिथल होता है और इक्वल होता है, ठीक है, माइक्रोलेसिथल प्रकार का इग होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोलेसिथल एंड इक्वल होता है। और जो क्लीवेज होता है, विदलन होता है, वो कैसे होता है, वो होता है होमोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक होता है, कैसा होता है, होलोब्लास्टिक होता है। और इसमें एक विशेष बात की इम्बोली, इम्बोली उपस्थित होती है, पाई जाती है इन एम्फियॉक्स, सिंबोली आकर्ष इन एम्फियॉक्सस डेवलपमेंट ड्यूरिंग गैस्टुलेशन, और इसका डेवलपमेंट कब होता है, गैस्टुलेशन के समय होता है, ठीक है। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए मैंने देखिए अगर मैं बहुत जल्द में आपको बताता हूं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी सोचता हूं कि कम समय में आपको ज़्यादा मैटर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो के साथ, ठीक है, ओके, थैंक यू।